फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी गार्नियर हेयर फूड हेयर मास्क का रिव्यू। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। ऑल्सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया था नायका से। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है एक शॉर्ट्स में। सो ये आते आते थोड़ा सा लीक हो गया था, बट एनीवेज मैंने इसको यूज़ किया है एंड आज मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो ये है गार्नियर हेयर फूड मास्क। इसके काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं एंड जो मैंने परचेज किया है वो है रिपेयरिंग पपाया हेयर फूड फॉर डैमेज हेयर। सो इसको आप 3 वेज में यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप कंडीशनर की तरह इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें टाइमिंग मेंशन नहीं किया है कि आपको कितना देर के लिए कंडीशनर की तरह अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसे मास्क की तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि आप 1 मिनट तक इसे अपने हेयर पे रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। नेक्स्ट जो मेंशन किया हुआ है, इसे अपने वेट या फिर ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है। आपको फोकस करना है अपने मिड लेंथ एंड एंड्स पे। इसको आपको थोड़े से क्वांटिटी में अप्लाई करना है एंड इसे छोड़ देना है। आपको उसके बाद हेयर वॉश नहीं करना है एज अ सेरम। तो इसमें मास्क एंड लिव इन आपको कैसे अप्लाई करना है एंड कितने टाइम के लिए ये मेंशन किया हुआ है, बट कंडीशनर आपको कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है ये मेंशन नहीं किया है। सो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग पार्ट है। सो मैंने इसको 2 बार अप्लाई किया है एज अ मास्क 1 मिनट के लिए। सो इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है मैं आपको इधर मेंशन कर दूंगी एंड जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है मैं आपसे वो शेयर कर देती हूँ। सो इसमें लिखा हुआ है कि 98% नेचुरल वर्जिन फार्मूला, द अदर 2% गारंटीज फार्मूला, इफिकेसी एंड प्रिजर्वेशन। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट है सारे मेंशन किए हुए हैं एंड कौन सा इंग्रेडिएंट किस सोर्स से आया है ये भी मेंशन किया हुआ है। सो इसमें पहला इंग्रेडिएंट है एक्वा वाटर, जो कि है प्योरीफाइड वाटर। देन अल्कोहल ग्लिसरीन, जो कि वेजिटेबल ऑरिजिन से आया है। देन पपाया, आमला, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट्स। उसके बाद सनफ्लावर सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, अगेन वेजिटेबल ऑरिजिन। एंड इसमें मेंशन किया हुआ है परफ्यूम और प्लांट ड्राइव। सो इसमें परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस ऐड है। इसके साथ ही इसमें है सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, पोटेशियम सॉर्बेट, सैलिसिलिक एसिड एंड कैरेमल। एंड जो इसमें ऐड नहीं है वो है सिलिकॉन, पैराबिन्स एंड आर्टिफिशियल कलर। सो दिस इज़ द गुड प्रोडक्ट। ये वीगन है, उसके साथ ही डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इसका जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एकदम फ्रूटी टाइप का स्मेल है इसका एंड इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लाइट है, ज़्यादा स्टिकी टेक्सचर नहीं है इसका। सो इसका जो टाइमिंग है 1 मिनट तक अप्लाई करने का एज अ मास्क। सो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि 1 मिनट में ये क्या ही वर्क करेगा, बट ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये आपके हेयर को बहुत स्मूथ बना देगा। सो इसे आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, आपको इसे अपने लेंस पे अप्लाई करना है 1 मिनट के लिए एंड 1 मिनट बाद आप हेयर वॉश कर ले। आप इसे 1 मिनट से ज़्यादा ना रखें एंड इसमें जो मेंशन किया हुआ है आप इसे एंड्स पे लगाकर छोड़ भी सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ना करें क्योंकि है तो केमिकल प्रोडक्ट ही, थोड़ा बहुत तो हेयर डैमेज करेगा ही। सो इसे आप एज अ कंडीशनर या फिर एज अ मास्क यूज़ करें। सो आई होप यू लाइक माई रिव्यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।